मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी के भटा गांव के क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माण को सील करने पहुंची प्रशासन और एम की टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा है इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई है उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि गांव में प्रशासन और एमडीडीए द्वारा निर्माण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी परंतु प्रशासन और एमडीडीए द्वारा एकाएक ग्रामीणों को परेशान करने की मंशा से कुछ निर्माणों को अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया लोगों के भारी विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा ग्रामीणों ने कहा कि जमीनों का बंदोबस्त की सुविधा नहीं है ऐसे में भट्टा गांव में प्राधिकरण से नक्शे पास नहीं किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन क्षेत्र की जमीनों का बंदोबस्त कर दी तो वह नक्शे पास कराने को तैयार है ऐसे में अगर किसी भी निर्माण की सीलिंग विभाग द्वारा की जाएगी तो विरोध किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले जिलाधिकारी देहरादून ग्रामीणों से वार्ता करे और उसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण करें और कार्रवाई करे भट्टाग्राम के नेता राकेश रावत ने कहा कि ग्रामीणों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा शासन प्रशासन द्वारा क्षेत्र की जमीनों का बंदोबस्त नहीं किया गया है जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता नहीं भुगतेगी एम के अधिकारी ने कहा कि भट्टा गांव के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया गया है वह उनके निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी